हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर यूपी टेट का जो मटेरियल है वो कैसे भी प्रोवाइड कराएं, तो आपको मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाइए, वहां पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एडमिट कार्ड को लेकर के हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं। परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करिए। देखिए, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करूँगा कि आप बस आँखें मतलब खोल के और कान खोल के अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप बिल्कुल ही पैनिक मत होइए, अच्छी हो बुरी हो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, ठीक है। उसको देखिए, समझिए और सोचिए और उसके बाद उस पर एक्शन क्या लेना है वो करिए, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कमेंट आपका मतलब तुरंत देख भी लूँगा, ऐसा भी नहीं कोई और कमेंट देख लेगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और साथ ही मैं आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये जो मौका इस बार आने वाला है, वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो ये आगे नहीं आएगा। तो इसीलिए आराम से बहुत ही एकदम रिलैक्स होकर के अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि यूपी टेट निकल जाएगा आपका, परेशान मत होइए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कैसे मतलब डाउनलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे मतलब अभी नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम में। साथ ही प्रैक्टिस सेट कहाँ करें, लास्ट टाइम है वहाँ, मतलब आपके पास 20-22 डेज बचे हुए हैं, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस सेट कहाँ से कैसे क्या मिलेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड यहाँ पे अगर एडमिट कार्ड की हम बात करें तो यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर के यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर प्रवेश पत्र जो है, पहले तो उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले मतलब एग्ज़ाम का 10 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की जो तिथि है वो 17/11/2021 है, 28 को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 17/11 को आपका जो है प्रवेश पत्र वो लोड हो जाएगा और उसकी सूचना भी वो लोग नोटिस भी जारी कर देंगे। 28 को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद 2 दिसंबर को आपका जो है आंसर की जारी कर दी जाएगी। और साथ ही में अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत आया था सही आया था, तो आपत्ति करने की जो डेट है वो 6/12/2021 तक जो तिथि रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 6/12 तक। उसके बाद में यहाँ पर जो समिति गठित की जाएगी, जो क्वेश्चन आपने भेजे होंगे आपत्ति के लिए, उस पर कमेटी बिठाई जाएगी और कमेटी जो है उन क्वेश्चंस को देखेगी कि वो सही हैं गलत हैं, उसके बाद उन क्वेश्चन का वहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप नीचे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे। अब हम अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने क्या किया है, मतलब अपने पापा का किसी का अपलोड कर दिया है, मतलब किसी पैन कार्ड अपलोड कर दिया है, मतलब जो भी आपने अपलोड किया है, पापा का तो नहीं लेके जाना है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ही का अपलोड, अगर आपने अपलोड पापा का भी कर दिया है तो भी मतलब आपको सिर्फ अपना ही लेके जाना है और अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। अगर आधार कार्ड अपलोड किया तो आधार कार्ड, और अगर क्या नाम आपका पैन कार्ड अपलोड किया है तो पैन कार्ड, और अगर पैन कार्ड अपलोड किया है तो आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड अपलोड किया तो पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने डाला है वही आप लेके जाएं, वैसे जो आपने डाला है वही लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप कोई दूसरा लेके जाएं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई मतलब कह नहीं सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वैसे आइडेंटिटी कार्ड कोई भी हो सकता है आपका, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, ठीक है, या फिर आपका पासपोर्ट हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपका आइडेंटिटी है, ठीक है, आपका आइडेंटिटी मैच करना चाहिए आपके एडमिट कार्ड से, ओके। चलिए, यहाँ पे इसके बाद में अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपने बीटीसी किया है, ठीक है, तो बीटीसी में आपका सेमेस्टर में कोई भी मार्कशीट मिला हो वो मार्कशीट आपको लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है आपको। और अगर नहीं मिला है तो जा करके ले लीजिए, करके किसी भी सेमेस्टर का आपको मार्कशीट मिल गया होगा। बीएड वाले बच्चे क्या करेंगे, जो लोगों का प्रमोट हो गया है फिलहाल के लिए, वो अपने स्कूल कॉलेज जाएँ, वहाँ पर अगर अभी भी फिलहाल के, देखिए अभी तो आपको अभी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिनका, अभी बहुत से बच्चों का वो नहीं आया होगा, क्या बोलते हैं, मार्कशीट नहीं आई होगी, तो वो फोटोकॉपी जो है लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, मैं अभी उस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर आपके अगर आपके कॉलेज जाते हैं तो मार्कशीट शायद मिलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अपने कॉलेज जाएं, वहां से मार्कशीट लेके आएं और वो मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट होगी और उसी को आपको वहां पे लेके जाएंगे, तभी आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, अदरवाइज़ वो आप एग्ज़ाम देने को नहीं मतलब मना कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो आप प्रिपेयर करके रखिए और कोशिश करिए कि वो ओरिजिनल हों, ठीक है, मतलब वहाँ पे फोटो कॉपी वगैरह वहाँ पे नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहाँ पे आपके लिए वेरिफिकेशन होगा और अगर आप नहीं लेके जाते तो शायद आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी जो कि आपको बतानी थी और मैंने आपको बता दी हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर करिए, नीचे कमेंट करिए, पीडीएफ आपको मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।